हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत तहे दिल से है। तो मैं क्लास 11 पार्ट 3 क्लास 11 की भ्रमर गीत का पार्ट नंबर तीसरा लेकर मैं आया हूँ, जिसका रचयिता आपको सूरदास जी है। अब क्वेश्चन आता है इसकी सह संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने के समय में तीन हेडिंग कम से कम पता लिखनी है। पहला क्या संदर्भ, दूसरा क्या हमारी व्याख्या, तीसरा हमारा क्या है काव्यगत सौंदर्य। तो संदर्भ में हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत है, इसको मैंने प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि किससे लिया गया, काव्यांजलि के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी कौन, प्रस्तुत पद्यांश क्या हमारी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि क्या है, काव्यांजलि के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सूरदास जी है। ये तो हमारा हो गया संदर्भ, ये हमारा क्या हो गया संदर्भ। अब हम आते हैं इसकी व्याख्या। हमने कहा था व्याख्या बहुत आसान है दोस्तों, सिंपल है, साधारण है। यदि आपको काव्य को गाने आ गया, थोड़ा सा भी गाने आ गया, तो अपने आप अर्थ निकाल सकते हो। तो हम गाते हैं, देखो शुरुआत स्टार्ट करते हैं। हमारे हरिहारिली की लकड़ी, हमारे हरिहारिली की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरु, मन क्रम वचन नंद नंदन उरु, यहाँ दृढ़ कर पकड़ी, हमारा हरिहारिली की लकड़ी, हमारा हरिहारिली की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, कान कान जकरी, हमारा हरिहारिली की लकड़ी। सुनत जो गुलागत है सो, सुनत जो गुलागत है सो, जो करी ककरी, हमारे हरिहारिली की लकड़ी। सूतो व्याधि, सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारा हरिहारिली की लकड़ी। यह तो सूर तिनैलो सौंपो, यह तो सूर तिनैलो सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारा हरिहारिली की लकड़ी, हमारो हरिहारिली की लकड़ी। देखो इसमें तुलना की गई है, भगवान श्री कृष्ण को एक हारिल पक्षी के समान तुलना की गई है। अब हम बता दें हारिल पक्षी क्या होता है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है कि वो कभी भी पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रखता, वो उसके पंजे में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है। अगर उसको जमीन पे उतरना होता तो उस लकड़ी को पहले जमीन पे रखता है, तो फिर उस पर बैठता है, फिर उस पंजे से उस लकड़ी को क्या लेता, उठा लेता। तो उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं, जब उद्धव जी आए हैं उन्हें योग भावना की सिखाने के लिए कि कृष्ण में क्या रखा है, उस गोपियों को सिखा रहे हैं कि कृष्ण में कुछ नहीं है, तुम हमारी योग विद्या की भावना को पूजा करो, हमारे जो धन निरंकारी भगवान है उनकी पूजा करो। तो गोपियां वही करें, हमारा मतलब हमारे, हरि मतलब भगवान, हमारे भगवान अर्थात श्री कृष्ण, कौन श्री कृष्ण, हमारा मतलब हमारे लिए, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल मतलब हारिल एक पक्षी है कि लकड़ी, उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है कौन, हमारा हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण उस हारिल पक्षी के समान है,
उस हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है जिसको वह कभी भी छोड़ता नहीं। हारिन पक्षी उसके पंजे में एक लकड़ी होती है, उसका भी उसको छोड़ता नहीं। तो वही कर रही है गोपियां, कह रही है हमारा मतलब हमारे लिए, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिन की लकड़ी उस हारिन की लकड़ी के समान है जिनको मन क्रम वचन, मैंने मन वचन और कर्म से किसको नंदनंदन, नंदनंदन मतलब श्री कृष्ण को, उर मतलब हृदय से। देखो मैंने मन वचन और कर्म से उस नंद भगवान को, उस नंद भगवान कौन कहा गया, भगवान श्री कृष्ण को, उस नंद नंदन के लड़के को उर मतलब हृदय से। अब देखो यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ, पकड़ी मतलब पकड़ी हूं, जकड़ी हुई हूं। जैसे वो हारिल बच्ची उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से बड़ी दृढ़ता के साथ उन्हें जकड़ी हुई हूं। अर्थात बताती है, अर्थात जागत मतलब जागते समय, सोवत मतलब सोते समय, जब सोएंगे तो क्या देखेंगे, सपना। मैं जब जागती हूं तब भी उनको जकड़ी रहती हूं, यदि मैं सोती हूं तो उन्हें मैं सपने में जकड़ लेती हूं। किसमें, सपने में। वो बताते हैं, वो गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी सुनो, जब जागत मतलब जागते समय मैं भगवान श्री कृष्ण को यदि जागती हूं, तब यदि मैं सो जाती हूं तो उन्हें सपने में, चाहे दिन हो या रात, दिवस निश, दिवस मतलब क्या होता है दिन, निश मतलब रात, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं क्या क्या करती हूं, कान कान जकरी, जकरी मतलब पकड़ी हुई, रट लगाई हुई हूं, कान कान की जकरी मतलब रट लगा दो। देखो चाहे जागत हो, मैं जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिनों रात में कान कान की चकरी, मैं काना काना की पुकार लगाई रहती हूँ। हे उद्धव जी आप इस योग भावना को हटा दो, मैं तो उस हारिल पर, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण उस हारिल पक्षी के समान है, मैंने उन्हें मन वचन और कर्म से बड़े ही दृढ़ता के साथ पकड़ा हूँ, पकड़ी हूँ, जिनको मैं जागते समय, सोते समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कान कान जकरी, मैं काना काना की पुकार लगा करके मैं उन्हें पकड़ी हुई। कोई छुड़ा कर दिखाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, कहा गया है कि सूरदास जी थे, सूरदास जी एक बार इनार में गिर गए थे, भाई अंधे तो थे ही, वो इनार में गिर गए, तो उन्हों कोई निकाला नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण निकाल ले आए। जब उन्हें निकाले तो सूरदास जी उनके हाथ पकड़ लिए, तो वो छोड़ नहीं रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप मेरा हाथ को छोड़े, तो छोड़ नहीं रहे थे, किसी तरह वो अपने हाथ को छुड़ाकर भाग गए। तो सूरदास जी ने वहां कहा कि हे प्रभु आप मुझे हाथ छुड़ाकर तो भाग गए, लेकिन दिल से छुड़ा के भागो तो मैं जाने। वही गोपियां कह रही हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण मेरे दिलों में छाए हुए हैं, इनको कोई निकाल नहीं सकता। सुनत जोग, सुनत मतलब सुनते समय, जोग मतलब आपकी योग भावना को मैं सुनते समय, लागत है मुझे ऐसा लगता है, जैसो मतलब जैसे, गोपियां कहते सुनत जोग लागत है सो, हे उद्धव जी आपकी योग भावना को सुनते मुझे ऐसा लगता है, ऐसो मतलब ऐसा लगता है, ज्यों मतलब जैसे, करुई मतलब कड़वी, काकर मतलब कड़ी, जैसे मैंने कड़वी काकर को खा लिया, मुझे इतनी घृणा आ जाती है। जैसे आपको कोई चीज पसंद ना हो, अगर आपको सामने वो चीज रख दिया जाए तो आपको कैसे लगता है, तो वही गोपियां कह रही है कि आपकी योग भावना मुझे पसंद नहीं हो भाई, बिल्कुल नहीं है, तो फिर भी आप ला दिए, जब ला दिए हो तो समझ में कैसे आएगा। तो वही कह रहे सूत जोग, सुनत जोग लागत है, सुनत मतलब सुनते ही, कैसा कौन सा योग भावना को, आपकी योग विद्या को सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या करूं, जैसे कोई कड़वी काकर खा लिया हूं, मुझे इतनी कड़वी लगती है आपकी वचन को। सूतो मतलब, अब देखो सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि मतलब बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी या बीमारी होता है, बीमारी या बीमारी, सूतो मतलब तुम, तो व्याधि मतलब बीमारी, ले आए मतलब ले आए,
हमको मतलब हमारे लिए। अब देखो, हे उद्धव जी, तुम तो एक ऐसी बीमारी लाए हो हमको लिए, हमारे लिए, जिसको देखी सुनी न करी, जिसको मैंने न कभी देखी है, न तो सुनी है, और ना ही कभी की हूं। आपने ऐसी सूतो व्याधि हमको लाया, सूतो मतलब आप तो, व्याधि मतलब बीमारी ले आए। हे उद्धव जी, आप तो एक ऐसी बीमारी लाए हो, किसको, हमारे लिए। हे उद्धव जी, आपने तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ला दी जिसको मैंने देखी है, ना तो सुनी है, और ना तो इसको किया है। गोपियां डांट रही हैं, यह तो सूर तिनहिं लय सौंपो। हे सूरदासी, वो सूर कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं किसको, उद्धव जी से, कि हे उद्धव जी, तिनहिं लय सौंपो, ये उनको जाकर के सौंपो, ये उनके ले जाकर को दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन उस चक्की के समान होते हैं, आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ कल वहां। चक्री वर्ड आते हुए मैंने एक चीज बता, चक्री से होता है चक्री। अब इससे हम एक कबीरदास जी दोहा बताए थे कि देखो, आकाश और पताल दो हमारी चक्की है, इसमें कोई भी इंसान यदि आता है तो उसको कुछ ना कुछ होता है, जन्म और मरण के फंदन में फंसता है। इसी प्रकार उन्होंने एक दोहा लिखा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पटन कहूं बीच में साबुत बचाने को, कबीरा साबुत बचाने को। ये था। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे हमारा हरिहारिल की लकड़ी है, अब इसमें एक सूरदास जी ने ही लिखा है, इसका दूसरा दोहा था, उसमें ने सूरदास जी इसमें लिखा था कि मेरो मन अनत कहां सुख पायो, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आयो। मेरा मन यदि कहीं उड़ता भी है तो मेरा मन उस, जैसे मान लो समुद्र में कोई जहाज चल रही है, अगर उस पर कोई चिड़िया बैठा दी जाए तो उड़कर जाएगी तो कहां जाएगी, फिर उसी पर आकर बैठेगी। तो उसी दिन मैं बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, मेरा मन उड़ा लेकिन फिर आकर कहां बैठा, श्री कृष्ण पर। उसी तरह गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जी, मेरे मन में तो, मेरे कण कण में, मेरे मन मन में कौन बसा है, भगवान श्री कृष्ण। उधर देखो, हमारा मतलब हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण उस हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, जिसको वो कभी छोड़ता नहीं है। देखो, मन क्रम वचन नंद नंदन, मैंने मन वचन और कर्म से उस नंद नंदन, उस श्री कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ दी, पकड़ी हूं। जागत सोवत स्वप्न दिवस में, मैं जागते समय, सोते समय, यदि मैं सोती हूं तो स्वप्न में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कान कान मैं काना काना की रट लगाई रहती हूं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी, सुनत जोग, आपकी योग भावना को सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई कड़वी काकर को खा लिया हो। सूतो व्याज, आप एक ऐसी प्रकार की बीमारी हमारे लिए आए हो जिसको मैंने न कभी देखी है, ना तो सुनी है, और ना ही इसे किया हो। सूरदास, यह तो सूर तुम्हें लो सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो तिनहिं लय सौंपो, तिनहिं मतलब उन्हें, लय सौंपो मतलब लेकर जाओ या सौंप दो, या उन्हें ले जा करके दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन उस चक्की के समान है। ये हमारे क्या थे, व्याख्या। अब आते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में देखो, वो पीड़ित हैं, इसमें जाकर वो बेचारे घी डाल रहे हैं। उद्धव जी, वो तो बेचारी, अगर रस की बात किया जाए तो वियोग सिंगार रस है। ब्रज भाषा तो आपको पता है, ब्रज भाषा है, अलंकार, अनुप्रास दहेज वाला, अनुप्रास अलंकार है। अगर इसमें दो चार लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो, मान लो चौथी लाइन, तो यह लिख सकते हो कि इसमें एक हारिल पक्षी है, उसकी तुलना
उसके लकड़ी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है, अर्थात उद्धव जी को कुछ भी समझाने पर वे गोपियां समझती नहीं है, वे गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ही रट लगाई रहती हैं, उनको इतना चाहती है। इतना लिखे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जहां से जहां तक हो लोगों से सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि ये वीडियो जिसके पास नहीं पहुंच पा रही है इस लॉकडाउन में, जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको आप हेल्प करो वो पढ़ पाए। मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं। थैंक यू, धन्यवाद।